जलोरी पास वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दम तोड़ देती हैं, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। ये जो BS6 की गाड़ी आई है ना, इनके जो डीजल की स्मेल है वो थोड़ी सी अलग है। गाड़ी हमने स्टार्ट कर रखी है और अब चढ़ाएंगे गाड़ी को यहाँ पे। मैनुअल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये देखना है। अभी हम जा रहे हैं जिब्बी। यहाँ से 45 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 15 किलोमीटर है। पहले बंजार आएगा और बंजार के बाद आएगा हमारा जिब्बी। हो सकता है हम जिब्बी में भी स्टे कर लें और जिब्बी को भी एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। अभी आप हिल स्टेशन में आते हो तो आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो कम रह जाती है। मेरी देखो 144 किलोमीटर का रहेगा डिस्टेंस टू MT, जबकि ये काफ़ी था पहले, लेकिन पहाड़ों पे तो 10-12 ही देती है, तो वो कम हो जाता है जैसे जैसे रास्ते आते हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कोई डीजल स्टेशन जाके मैं डीजल लगवा लूँ गाड़ी में, ताकि मेरी गाड़ी आगे तक पहुँच सके। अब हम बंजार में पहुँचने वाले हैं। ये देखो चढ़ाई, देखो बंजार की कैसी है। फर्स्ट गियर में गाड़ी चढ़ रही है, सामने से आगे टम्पू लेफ्ट में नाला है, देखते हैं। अब देख ठीक है। अरे भाई 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 भाई, बस आ रही है क्या? हाय हाय, निकल जाने दे। लेफ्ट में आप आ जाइए। हाँ है जाइए। ये भैया आगे से आगे थी बस, जगह बहुत छोटी है, यहाँ से छोटी है, बहुत छोटी जगह है। दो गाड़ी तो छोटी गाड़ियां भी मुश्किल निकलनी है, तो आगे है थोड़ी वैसी। थोड़ी सी बैक कर लो। कोई नहीं। देख लो भाई, ऐसे पछड़ पड़ती है, सामने से गाड़ी आ जाती है और नीचे ही है। लेकिन ये कि गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी मेरी चढ़ रही है और साइड में ही है। चढ़ाई देख लो, साइड नाली भी है, देखो चढ़ाई। ये मुझे याद है लास्ट ईयर की, बहुत पैसे थे। और भैया हमें जाना है सीधा, ये लास्ट टाइम मेरी था यहाँ, लास्ट टाइम मुड़े ये मुड़े थे, वही रास्ता याद आ गया। ओहो, समोसे मिल रहे थे, लाऊं? ये देखो भैया, अब बंजार क्रॉस कर रहे हैं, सामने गाड़ी आ जाती है। तो भैया लेकिन क्या है कि हम इतने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं तो हम घबराते नहीं है, पर ये गाड़ी थोड़ी बड़ी है साइज में। लेकिन जिब्बी अब आने वाला है, जिब्बी यहाँ से थोड़ी सी दूर है। ये है बंजार, ये आगे हिल क्वीन आल्टो। भाई ये ब्रेक भी नहीं मारते, चढ़ गई मेरी शेरनी, अब खत्म। ये मुझे याद थी कि एक पॉइंट एकदम चढ़ाई आएगी। मैं चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन है, थोड़ी सड़क बड़ी कर दी है। यहाँ पे शिमला 175 किलोमीटर है, रामपुर 105 किलोमीटर है, लौरी, अन्नी, जलोरी, सोजा, यहाँ रास्ता बहुत छोटा है। आगे से जिब्बी यहाँ से 8 किलोमीटर, लेकिन बाहू है। लेकिन अभी वेट कर रहे हैं, भैया ने रोक लिया हमें वहाँ, पुलिस वाले भैया। और यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा, देखो आप यहाँ पे, शायद एक गाड़ी आ गई, देखो डिवाइड, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। अरे भाई टेम्पू इधर से आ रही है बस, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, और हमें बीचों बीच में। चलो भाई चलो, मिल गया ग्रीन सिग्नल। ये देखो भाई, पकौड़े खाने का मन था, रास्ता देखो आप, ये बंजार है और बस भी गुजरी है थोड़ी देर पहले यहाँ से। और अब देखते हैं हमारी गाड़ी टॉप ऑन टॉप कैसे जाती है। स्कूटर वाले आ रहे हैं, गाड़ी रोकते रोकते रोकिए भैया। नहीं, गाड़ी रोक ली भैया ने, एंडेवर आ रही थी फोर्ड की, क्योंकि ये भैया वॉकी टॉकी पे है पुलिस वाले भैया, वो गाड़ी रोक लेते हैं वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं भाई, देखो क्या पुल बना रखा है, क्या जुगाड़ किया भैया, लग रहा है रास्ते में रुका होगा। और भैया यहाँ बहुत सोच समझ गए हैं, अगर एक बार फंस गए ना, बिल्कुल बाजार लग रहा है। पहले कुल्लू रास्ता ऐसे ही था, कुल्लू का रास्ता याद आ गया मुझे, वो थोड़ा चौड़ा था, ये और भी नैरो है और वो थोड़ा हाइट पे भी कम था। हाँ ये तो फुल हाइट पे है, गाड़ी ऐसे स्लोप पे रहती है आपके,
लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि सामने से गाड़ियाँ रोकी हुई हैं और हमारी गाड़ी चले जा रही है और चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, लेकिन काफ़ी लंबा स्पैन है, ऐसा नहीं है ना 100 मीटर का है, किलोमीटर में है, किलोमीटर से है। ये भैया ने गई हड़ा पुलिस वाला, ये बस रोकी हुई, ये भैया ने रोकी हुई थी गाड़ी, वरना तो ये राम तेरी गंगा मैली जाती है हमारी। हमारे सामने आया दिखाओ, देखिए आप, जलोरी पास सीधा है, सैंज भी सीधा, सैंज भी सीधा है, 70 दिखाई तो 70 रामपुर शिमला, शिमला भी 174 है। ये अब जिब्बी पहुंच चुके हैं, वो सामने बोर्ड लगा हुआ जिब्बी का, अभी हम देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। ये पुल आ गया याद था मेरे को, और इसके पुल के बाद ही हम कहीं रुके थे, पर अब काफ़ी है, जिब्बी पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं जिब्बी रुकते हैं हम कि आगे चलते हैं। ये हम रात रास्ते में रुके थे यहाँ पे, लाटो एंड चौहान हो गया, नंबर भी दिया हुआ है, गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है और चलते हैं, रेट वेट पता करते हैं इससे। चलो मैं भी चलता हूँ कि वरना मैडम मेरी अकेली पड़ जाएगी और फिसलना पड़ा। तो वैसे रास्ता वही है, गाड़ी जा, ओहो गाड़ी जा सकती है, ऐसे गाड़ी ले लूँगा तुम्हें है। अब हम ला रहे गाड़ी अपनी, हाँ सर नीचे, और भाई बहुत नीचे आए, देखते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या रहती है। अगर ईशान चढ़ेगी कैसे, मुश्किल है, मुश्किल है भैया, भाई बहुत स्लोप है। ये मिल गया हमें, पूल सा बनता था यहाँ पे, हाँ ये ऊपर से गाड़ी नीचे लेकर आऊँ तो वहाँ से। रूम का साइज ठीक अच्छा है, बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, इधर तो सिटिंग के लिए चेयर भी दी है इन्होंने, टाइल्स भी लगी है, वुडन टाइल लगी हुई है, और ये ठीक ठाक है, गीजर भी है, हमने ऑन कर दिया इमीडिएट क्लीन है तो हमारी रात कट जाएगी। इनके पास बड़े कैपेसिटी के भी, बड़े कैपेसिटी बड़े बड़े भी थे, पर हमने कहा भाई हमारे पास तो पैसे ही कम है, थोड़ा अच्छा दिखा दो, तो उन्होंने अच्छा दिखा दिया, तो अभी हम यहाँ बैठेंगे, हाँ अभी हम चल दिए भाई, वो गाड़ी तो सामने पार्क कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं वापस चढ़ते हुए। अब आपको दिखाएंगे वाटरफॉल, देखो ऊपर बादल आ गए हैं, टाइम 3 बजे का है, लेकिन गाड़ी खड़ी कर दी, कहाँ फंसा दी है, कहाँ कहाँ ले आया आपका भाई, और ये चढ़ाई है ऑल्टो तो आ जाती है भाई, हाँ और ये अभी चढ़ना है हमें, और सामने भाई बड़ी गाड़ी खड़ी है कोई, बेटे भागो मत, हाँ नहीं आ ही सकते, वो यहाँ टेम्पो ट्रेवल आ ही सकते, क्यों नहीं, यहाँ रुकने में एक ही दिक्कत है, ये भाई तो नज़दीक ही है लेकिन उतरना है ना भाई साहब, ये बहुत खड़फाड़ हुआ देख लो, थोड़ा सा पैदल चले हम और रास्ता आगे, यहाँ से राइट मारेंगे और आपको दिखाएंगे एक बढ़िया सा वाटरफॉल। ये आ रहे हैं अपने जवान, चलते हैं, बड़ी सुंदर जगह लगती है यहाँ से, वेट ये देखो जिब्बी वाटरफॉल है, ये बड़ा बढ़िया बन गया, लास्ट टाइम बढ़िया नहीं था, टिकट भी लग गई है लेकिन अच्छा है, 20 रुपीज की टिकट है। प्लीज डू नॉट ड्रिंक्स, ये पहुंच गए हम वाटरफॉल, ये अब यहाँ बैठ के कुछ खाएंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है बट रास्ता बड़ा सुंदर है इसका, काफ़ी अच्छा बन गया है, अभी पानी कम है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मई जून आएगा
वाटर फ्लो बढ़ता जाएगा। वाटरफॉल डन, अब चलते हैं वापस। मजा आया भाई ईशान? छोटा सा वाटरफॉल है और ये जो चलते हैं साथ साथ में ही चलते हैं, ये देखने में और सुंदर लगता है। तीनों चल पड़े हैं भाई। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली कहावत बिल्कुल गलत है, तीन तिगाड़ा काम बनाया। और हम वही हैं जो गुड़गांव से कन्याकुमारी गए थे, आपने हमारे ब्लॉग देखे हैं, फिर हम वहाँ भी गए थे, स्पीति ट्रिप भी किया था। और ये ईशान पी रहा है भाई कॉफ़ी, और ईशान की कॉफ़ी है, हमारी गरम गरम चाय। चाय की नहीं, ज्यादा डार्क कर दी। अच्छा लग रहा है लेकिन कड़क है, नींद नहीं आएगी ड्राइवर साहब को, नींद नहीं आएगी। लेकिन ये है कि मजा पूरा आ रहा है, ब्लॉग ज्यादा कट पिट नहीं करेंगे हम, जैसा होगा दिखाएंगे, टू भी कंटिन्यू करेंगे, किसी और को सोच के नहीं वीडियो बनाएंगे, अपने दिल को क्या अच्छा लगता है वो वीडियो बनाएंगे। इससे क्या है कि यार ब्लॉगिंग करने का जो हमारा वो है ठीक हो जाएगा, नहीं दूसरे को ध्यान में रखकर कोई काम करते ना उसका मजा नहीं आता। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहां दो दिलों ने कभी ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। ये ऊपर रूम दिया भी लाटो द हट है ये। अच्छा लाटो ही है नहीं, थोड़ा जिब भी अभी अनटच है, आना बड़ा मुश्किल है, रास्ता बहुत छोटा है यार। अंदर जब रूम में बैठी थी ना, वो रूम सामने हमारा ही है, तो मैडम बोल रही थी कि मुझे बाहर जाना है, अब करीब में ठंड लग रही है, तो अब एक काम करते हैं, गर्मा गर्म चाय मंगाते हैं, पकौड़े मंगाते हैं और वो खाते हैं। ये भाई पकौड़े आ गए, पर इंतजार बड़ा करा भैया आपने, अरे हाय पकौड़े आ गए हैं, देखते हैं ठंडे तो पेट ठंडे का किराया पी किया। हाँ चाय आ गई है काफी इंतजार के बाद। अच्छा अब चाय पीते हैं और गर्मा गर्म खाते हैं पकौड़े। ये जो BS6 की गाड़ी आई है ना, इनके जो डीजल की स्मेल है वो थोड़ी सी अलग है, गैस टाइप में आती है, जैसे कि गैस लीक हो रही है घर की, अब वो डीजल की वो स्मेल नहीं आती है। अब BS6 में थोड़ा सा चेंज है, पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती थी। आप इस वक्त गाड़ी के पीछे खड़े हो नहीं सकते थे, लेकिन इस वक्त क्या है कि मैं खड़ा हूँ और ये सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन 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 सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, वरना डीजल की गाड़ी इतना गंदा धुआं छोड़ती थी, इसीलिए BS6 की गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया गया। और अब तो फेज 2 भी आ गया, BS6.1, वो भी अभी गाड़ी अप्रैल से मिलने शुरू हो जाएंगी। ठंड तो है ना, ठंड तो है, मैंने चाय बोल दी, चाय यहीं आ रही है। यह गाड़ी हमने स्टार्ट कर रखी है और अब चढ़ाएंगे गाड़ी को यहाँ पे। ईशान बनेगा कैमरामैन, ये है, अब देखते हैं हमें क्या दिक्कत होती है। अरे आराम जाएगी तो। अब हमें गाड़ी को भैया मैनुअल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये देखना है। और ये चढ़ाते हैं, हमें चढ़ानी आती नहीं है इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इशू होता है, अदरवाइज जो यहाँ के लोकल लोग हैं तो 2 मिनट चढ़ा देंगे उल्टा चढ़ा। तो ईशान जी आप कहाँ जाओगे? ना किसी 4x4 की जरूरत पड़ी, ना कोई मैनुअल करने की जरूरत पड़ी, ना कोई मोड, कुछ भी करना नहीं पड़ा, ना जूम वूम कुछ नहीं, जैप मोड पे भाई गाड़ी देख लो, हमारी मैडम के साथ चढ़े में आ रही है, कुछ शायद समझ में आ नहीं रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल देखो बिल्कुल स्लोप है, 14 को मैडम थक भी गई है, लेकिन इसको चढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई ज़्यादा। मैं ये तो कहूँगा नहीं ऑफ रोड के लिए गाड़ी बनी है, लेकिन लेकिन अभी तक तो ये सक्सेसफुल हुई है ना, सफारी की टक्कर में ही चल रही है अब तक। और देखो हमारी थक रही है क्योंकि भैया बहुत ऊँचे हैं हमारे कैमरामैन साहब, और ये अंदाज लाटो हट है, और बताएंगे मैडम कि यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्या इशू है, कोई इशू है भी कि नहीं, लेकिन चढ़ाई काफ़ी स्टीप थी। अब चलते हैं जहाँ पे स्नो फ्लो होने के चांसेस है। तो अभी हमने गाड़ी मोड़ ली है, जलोरी पास का नाम सुना होगा, पास है ये, यहाँ पे स्नोफॉल भी काफ़ी होती है। अब हम कोशिश, ये हमने छोड़ दिया जिप भी नीचे था, अब हम कोशिश करोगे जहाँ तक हमारी गाड़ी ईजिली जा रही है, 94 किलोमीटर का डीजल रह गया है, पेट्रोल पंप पीछे की तरफ है, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
पर देखते हैं, थोड़ा चलते हैं 10-15 किलोमीटर और जलोरी पास अगर हो जाएगा तो हम कवर करेंगे। सुना है कि मौसम खराब है, चलते हैं जलोरी पास, वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां दम तोड़ देती हैं, अनटिल अनलेस आल्टो में लोकल ड्राइवर ना हो।